एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी फसलें अक्सर सूखे या बाढ़ से नष्ट हो जाती थीं। एक दिन उसने अपने खेत में एक अजीब बीज पाया। हेलो गाइज, अभी जो आपने एक AI वॉइस को सुना है, इसको दोस्तों मैंने अपने मोबाइल से क्रिएट किया है, वो भी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है हाल ही में 11 लाइव वेबसाइट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम से आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम AI वॉइस को क्रिएट करने के लिए जो भी हम गूगल पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है 11 लाइव, हम उसके ऊपर दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से किसी भी यहाँ पर AI वॉइस को यहाँ पर जनरेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों हाल ही में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रही है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ से अब पैसे भी मांग रही है। तो दोस्तों उसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो पहले AI वॉइस को सुना है, इस तरह की AI वॉइस यहाँ पर आप अनलिमिटेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से अपने फोन से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ₹1 यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप जितनी चाहे उतनी AI वॉइस को जनरेट कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों यहाँ पर बच्चा सीख जाएगा कि आप किस तरीके से AI वॉइस को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी जिसका नाम है दोस्तों ChatGPT। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग तो इस एप्लीकेशन का यूज करते भी होंगे। अगर दोस्तों आप अपने यहाँ पर यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हैं तो दोस्तों आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट भी इसी एप्लीकेशन से यहाँ पर तैयार करते होंगे। अगर दोस्तों आपको नहीं पता तो सिंपली आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और दोस्तों वहां पर आपको सर्च कर देना है ChatGPT। तो दोस्तों वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, तो सिंपली वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोस्तों इसको यहां से ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों यहां पर आपको बोले कि आपको अपने गूगल अकाउंट को यहां से लॉग इन करना है, तो सिंपली दोस्तों आपको अपने गूगल अकाउंट को यहां से सिलेक्ट कर लेना है। जी हां दोस्तों, यहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब दोस्तों यहां पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि दोस्तों आपको यहां पर एक सर्च करने का आइकन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको यहां पर करना क्या है कि इसके अंदर जो भी आपकी AI वॉइस को आप जनरेट करना चाहते हैं, जो भी आपका यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट वगैरह, तो सिंपली या तो यहां पर आपको पेस्ट कर देना है या फिर दोस्तों मैं यहां पर आपको सर्च करके दिखा देता हूं कि हिंदी स्टोरी इन 150 वर्ड्स के अंदर। जी हां दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों मुझे यहां पर एक हिंदी स्टोरी मिल चुकी है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था और उसके पास बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके मतलब जो भी कुछ इस प्रकार से जो भी स्टोरी है, तो सिंपली दोस्तों वो यहां से आ चुकी है। अब दोस्तों यहां से आपको करना क्या है कि जो यहां पर आपको फिर से नीचे की तरफ एक यहां पर जो भी टेक्स्ट का आइकन मिलेगा, तो यहां से आपको फिर से दोस्तों यहां पर एक पॉइंट को यहां से पेस्ट कर देना है। जी हां दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है और दोस्तों सेम इसी पॉइंट को यहां से आपको पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको आगे पता चलेगा कि इस पॉइंट का यहां पर क्या काम होने वाला है। तो सिंपली दोस्तों आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ऊपर में तो दोस्तों जो भी कुछ यहां पर जो खानी थी, तो दोस्तों वो यहां पर से सारा कुछ यहां पर किताबी ज्ञान है। जी हां दोस्तों, जो हमारी किताब वगैरह के अंदर यहां पर होता है, तो सेम उसी की तरह से यहां पर देख सकते हैं। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था, वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके फल हमेशा सूखे या बाढ़ से नष्ट हो जाते थे कुछ इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों यहां पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि दोस्तों हमारी भाषा के अंदर है, गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था जो हर रोज मेहनत करता था, पर उसकी फसल खूब मतलब जो भी बढ़ नहीं रही थी, बाढ़ के कारण नष्ट हो जा रही थी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि AI वॉइस को जनरेट करने के लिए अगर आपने किसी अपना जो भी आपका टेक्स्ट है, अगर आप उसकी AI वॉइस को जनरेट करना चाहते हैं, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। जी हां दोस्तों, आप उसे भी यहां पर बहुत ही इजी तरीके से यहां पर अपनी AI वॉइस जो भी आपका टेक्स्ट है उससे भी दोस्तों आप AI वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अभी तो आपको इसी के अंदर से यहां पर AI वॉइस को जनरेट करके दिखाऊंगा। तो अब यहां पर आपको करना क्या है कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस ऊपर वाले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहां पर आपको एक आइकन बोलेगा रीड अलाउड करके, तो सिंपली दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहां पर आइकन दिखाई देगा, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपकी जो भी वॉइस है वो यहां से जनरेट हो जाएगी, आप यहां पर सुन सकते हैं। मेहनती था लेकिन उसकी फसल हमेशा सूखे या बाढ़ से नष्ट हो जाती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए, उन्होंने रमेश को देखा और उसकी मेहनत से प्रभावित हुए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ किताबी ज्ञान के हिसाब से यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर ये वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे वाली वॉइस को सुनाऊँ जिसे दोस्तों हम हमारी नॉर्मल भाषा के अंदर भी बोल सकते हैं, तो इसे आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि दोस्तों इन दोनों वॉइस के अंदर कितना यहाँ पर डिफरेंस है। एक गरीब किसान था जो हर रोज मेहनत करता, पर उसकी फसल सूखा, बाढ़, हमेशा कुछ ना कुछ खराब हो जाता। एक दिन अचानक गाँव में एक साधु आए। अरे ये साधु कौन है?
रमेश ने मन में सोचा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी AI वॉइस यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपली दोस्तों अब इसको यहाँ से सेव करने के लिए आपको करना क्या है कि दोस्तों आपकी जो भी मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो सिंपली दोस्तों आपको उसको यहाँ से ऑन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप अनलिमिटेड यहाँ पर AI वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आज के मोबाइल में सभी मोबाइल्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी रिकॉर्डिंग का एक आइकन मिलता है तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इसको यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है कि इस वॉइस को यहाँ से शुरू से ओपन कर लेना है। पर उसकी फसल सूखा, बाढ़, हमेशा कुछ ना कुछ खराब हो जाता। यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट की यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ से जो भी यहाँ पर वीडियो के अंदर वो क्रिएट हुई है तो सिंपली दोस्तों हमें करना क्या है कि उसको यहाँ से MP3 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने गूगल को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओपन करने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में यहाँ पर सर्च कर देना है वीडियो टू MP3 कन्वर्टर करके। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर वेबसाइट आ जाएंगी। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से जो सबसे फर्स्ट के अंदर दिखाई दे तो सिंपली दोस्तों आपको उसी को यहाँ से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें बोल रहा है कि यहाँ पर चूज फाइल करके, जी हाँ दोस्तों, सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पर बोल रहा है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रॉम डिवाइस करके, तो सिंपली दोस्तों हम तो हमारी गैलरी से जो भी हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को किया था तो उसको यहाँ से लाने के लिए दोस्तों मीडिया प्लेयर कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है तो सिंपली दोस्तों उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते कि दोस्तों मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ से आ चुकी है। यहाँ पर सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि कितने टाइमिंग जो भी यहाँ पर जो भी इस प्रोजेक्ट का नाम है तो सिंपली वो नाम भी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कन्वर्टर वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारी यहाँ पर जो भी वॉइस है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है और दोस्तों कुछ ही सेकंड के बाद दोस्तों यहाँ पर वो हमारी MP3 के अंदर कन्वर्ट होकर हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही इसी तरीके से अनलिमिटेड AI वॉइस को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि दोस्तों लगभग यहाँ पर 83 के करीबन हमारा यहाँ पर अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ही सेकंड का यहाँ पर वेट करना है, उसके बाद दोस्तों आपकी AI वॉइस यहाँ पर जनरेट होकर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग अपलोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दोस्तों हमारे यहाँ पर कन्वर्ट भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारी AI वॉइस थी वो यहाँ से कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर डाउनलोड वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस डाउनलोड वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों हमारी जो भी वीडियो फॉर्मेट के अंदर जो भी वॉइस थी AI तो सिंपली दोस्तों वो MP3 के अंदर कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप लोग भी AI वॉइस को जनरेट करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से अनलिमिटेड AI वॉइस जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।